आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पानी पूरी की रेसिपी, गोलगप्पे की रेसिपी, जो एकदम आप जो ठेले पर खाते हैं ना, बिल्कुल उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्टी, आपको इतना ये पसंद आएगा ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गोलगप्पा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सूजी लेंगे एक कटोरी, इस कटोरी से एक कटोरी सूजी ले लेंगे। उसे अगर बारीक सूजी ना हो ना, तो उसे मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे और हाफ कटोरी मैदा ले लेंगे। अगर एक कटोरी सूजी डालेंगे ना, तो हाफ कटोरी जो है मैदा लेंगे, या आप उससे हाफ कटोरी मतलब 3 से 4 चम्मच मैदा ले लेंगे और थोड़े थोड़े करके पानी इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एकदम थोड़े थोड़े करके इसमें पानी डालना है, क्योंकि इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसलिए एकदम थोड़े थोड़े करके। फिर अगर थोड़ा सा पानी और लगा तो इसलिए दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए इस तरह का जो है डो हम तैयार कर लेंगे और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करके और हम इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब ये सूजी भी फूल गई है और हमारा जो आटा है एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका लोई बना लेंगे, इसे 4 हिस्सों में बांट लेंगे इस तरह से, और इससे इसका जो है पूरी बना लेंगे। इस तरह से हम कर लेंगे, लोई गोल कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। और इतना ध्यान रखना है कि बेलेंगे ना रोटी को जो है बिल्कुल पतला बेलना है, जितना ये पतला रहेगा ना उतना ये क्रिस्पी बनेगा, ये जो है ना उतने कुरकुरे बनेंगे, इसीलिए इसका थोड़ा सा पतला ही रखना है। अब इस तरह का अगर आपके पास कटर है तो आप इस कटर से काट लीजिए, या नहीं तो कोई छोटा सा कटोरी होगा ना, या ग्लास है, ग्लास से आप काट लीजिए, तो पूरी का साइज जो है ना एकदम एक जैसा आएगा। इस तरह से हम काट लेंगे और इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए कितना गोल गोल पूरी बना है, तो इसका साइज जो है ना देखने में अच्छा लगेगा। फिर हम इसी तरह से सारे पूरी बना लेंगे। अब पैन में तेल गरम करेंगे, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पूरी डाल देते हैं। देखिए डालते ही ये फूलने लगा है ना, इसका मतलब है कि हमारा डो जो है ना एकदम परफेक्ट बना है। इसीलिए बस इसका डो इतना ही ध्यान रखना है कि आटा जो हम लगाएंगे ना वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। उसका जो हर चीज़ का, जो सूजी का, मैदा का, जो भी आप डालें, अगर आप मैदा नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन मैदा डालेंगे ना थोड़ा सा ये अच्छा बनेगा। और देख रहे हैं सारे पूरी पूरियाँ जो हैं सब एकदम फूल गई हैं, और जितनी ये फूली हैं ना उतनी ही कुरकुरी भी है। और इस तरह से इसे, लेकिन फ्लेम को जो है ना एकदम मीडियम रखेंगे, जितने मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे ना उतने ही ये कुरकुरी बनेंगी। और मेरा तरीका भी बिल्कुल ही आसान है, और इसे हम निकाल लेंगे। आप देखिए अभी सारे पानी पूरी जो है सो बन के रेडी है, और देखिए ये कितने क्रिस्पी और ये करारे बने हैं, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। और अब देखिए आवाज सुने, ये देखिए देख रहे हैं ना, तो इतने सुंदर ये हमारे गोलगप्पे जो है सब फूले फूले, ये कितने फूले फूले हैं। और ये हमारे गोलगप्पे फूले फूले गोलगप्पे बनके रेडी है। आप इसे एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई झंझट है बनाने में एकदम, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आप एकदम इसे आसानी से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका तीखा पानी बना लेंगे। तीखा पानी बनाने के लिए भी हमको क्या है, बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके धनिया पत्ता तीजी अवेलेबल हो जाता है, बस धनिया पत्ता डालेंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसका चटनी बना लेंगे। और ये चटनी रेडी हो गया। इससे हम क्या करेंगे, तीखी वाली चटनी जो होती है ना ठेले पर, जो तीखी वाली चटनी होती है वो चटनी हम बना लेंगे। और ये इसका हम पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम तीखा वाला पानी तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें ये जो
चटनी का पेस्ट है ना वो सारा डाल देंगे। और इसमें 300 ml पानी मतलब एक गिलास पानी जो है वो आप डालिए, एक गिलास पानी डाल देंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें भुना हुआ काला भुना हुआ जीरा डाल देंगे, सॉरी ये लाल मिर्च डाल देंगे, एक एक चम्मच जो है सो जीरा जो है सो भून के और उसको उसका पाउडर बना लेंगे वो डाल देंगे, और लाल मिर्च डाल देंगे एक एक चम्मच डालेंगे। अब ये काला नमक डाल देंगे, ये नमक डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। और ये नींबू का रस, अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो नींबू का जो है रस डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें खट्टापन आ जाएगा, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मीठा वाला पानी बनाएंगे। तो इसके लिए इमली का जो है पल्प, ये इमली का गर्म पानी में इसे थोड़ा सा रखेंगे भिगा करके, और इसको इसका पेस्ट इस तरह से हम बना लेंगे, उसको छान लेंगे तो उसका सारा जो बीज है वो निकल जाएगा। और इसमें भी हम एक गिलास पानी डाल देंगे, ये हमारा खट्टा मीठा पानी जो है सो वो बनके रेडी हो जाए। इसमें हम क्या करेंगे, इसे मीठा करने के लिए एक चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ डालिए। इसमें भी एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, वाइट वाला नमक मतलब नमक डाल देंगे, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पानी भी ना आपको एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा, और है ना इजी, आपको एकदम आसानी से, जब दोनों पानी हमारा बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे देखिए, दोनों तीखा पानी और मीठा पानी दोनों पानी बनके रेडी है। अब हम क्या करेंगे, बॉइल्ड आलू लेंगे, उसे मैश कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे उसको, इस तरह से मिला लें। और इसमें हम बारीक कटा हुआ एक प्याज लेंगे और एक हरी मिर्च, और ये काला नमक थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, और ये ग्रीन चटनी जो बनाया है ना वो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, तो इससे क्या होगा इसका टेस्ट जो है सो अलग से आ जाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी मिला देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल देंगे। आपको ये पूरी का जो ये मसाला है ना आलू मसाला जो है सो बहुत ही तीखा और चटपटा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब हम इसे आपको पूरी में भर के दिखाते हैं, इस तरह से पूरी इसमें होल कर लेंगे इसको, और इसको मसाले को आलू मसाला जो है उसको हम डाल देंगे, और इस तरह ये तीखा वाले पानी में डिप करेंगे, और ये लीजिए आप इसे इंजॉय करिए, खाइए। ये आपको तो क्या लगा इसे बनाने में, बहुत ही आसान, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसे आप इजीली आप इसे बना सकते हैं। और ये हमारा गोलगप्पा पानी पूरी बनके रेडी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अब हम क्या करेंगे इसे, अब मीठा वाला पानी से भी बना के हम दिखाते हैं, तो इसमें भी उसी तरह से हम इसमें डिप कर लेंगे और मीठा वाला पानी डालेंगे। ये देखिए मीठा वाला पानी भी डाल दिए, और इस तरह से आप तीखा मीठा दोनों पानी का गोलगप्पा अपने घर में बनाएं बहुत ही इजी तरीके से। और प्लीज़ मेरा, अगर देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार है और कितना अच्छा लग रहा है। बाय बाय।